हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 23 मैट्रिसेस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था तीन तरह का जो है, जब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे तब हम लोग जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन में होता था तीन रो के अलॉन्ग और तीन कॉलम के अलॉन्ग, मतलब टोटल छः तरह का जो है ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। लेकिन मेनली उसको तीन तरह का ही बोलते हैं, तीन रो के लिए, तीन कॉलम के लिए। और उससे रिलेटेड हम लोग जो है सिंबल देखे थे कि कौन से ऑपरेशन के लिए कौन सा सिंबल होता है। तो उसमें देखे थे पहला इंटरचेंज, मतलब यदि कॉलम की बात करें तो हम लोग कोई भी दो रो आ तो दो कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी को आप जो है कॉलम के अलॉन्ग भी इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा है कोई भी रो को आप जो है कोई स्केलर क्वांटिटी से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से। तो उसी तरह का जो है आप कर सकते हैं कॉलम में भी। और तीसरा जो था, यदि जो है कोई पार्टिकुलर रो में चेंजिंग करना है तो क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा रो के सभी एलिमेंट में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो उसी प्रकार कॉलम में भी ऑपरेशन था, तो CIKCJ इस तरह से। तीन मेरा था रो के अलॉन्ग, तीन मेरा कॉलम के अलॉन्ग, मतलब मेनली तीन मेरा एलिमेंट्री ऑपरेशन था। ये वो देखे थे, फिर देखे थे इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होता है, फिर हम लोग देखे थे एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे उसी के आगे जो है, आप PDF में भी देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग का है वह है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बोलिए इसको, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस जो क्या होता है उसको वर्ड से ही पता चल रहा है, वैसा मैट्रिसेस जो जिसका क्या हो तो इन्वर्स निकालना जो है पॉसिबल हो। जैसे इसमें डेफिनेशन आपको जो है PDF में लिखा हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एन। क्या एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इज इन्वर्सिबल इफ, क्या उसको इन्वर्सिबल बोला जाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ बी ऑफ द सेम ऑर्डर एन। सच दैट, वह किस उस वह जो है किसको सर्टिफाई करना चाहिए, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। ए प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, वेयर क्या हो जाएगा, आई एन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आई एन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो क्या होगा एन ऑर्डर का है। क्या है, द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या है, द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बी को क्या बोला जाएगा, इनवर्स बोला जाएगा ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड इज डिनोटेड बाय इस तरह से ए का पावर -1। मतलब क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है, जिसका ऑर्डर क्या है एन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स बोलेंगे। इन्वर्सिबल बोलेंगे कब, इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी। क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमको बी भी मिलेगा, कौन सा ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का, लेकिन वह इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन, ये एक चीज़ क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब बोल सकते हैं
कि मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स निकल पाएगा। यदि इस प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई नहीं होगा तब जो है वो जो क्या होगा उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। वेयर आई एन इज क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन का, तब जो है बी को क्या बोला जाएगा, इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बी को बी मेरा क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स, और उसको डिनोट किया जाएगा ए इन्वर्स से। उसी प्रकार तो जब जो है ए का इन्वर्स यदि बी है तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, बी का इन्वर्स भी क्या होगा तो ए होगा। यदि ए का इन्वर्स बी है तो बी का इन्वर्स भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू आई, तो यहाँ से ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी होगा और बी इन्वर्स इज इक्वल टू दोनों हो सकता है। तो क्या होगा, बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड इज डिनोटेड बाय, इस तरह से जो सिंबल दिया गया है उस तरह से उसको निकालना है। अब यहाँ जो है इसी में नोट करके भी आपको जो है पीडीएफ में लिखाया गया है कि यदि बी जो है इन्वर्स ऑफ ए है, यदि बोले बी जो है क्या है ए का इन्वर्स है, यदि बी जो है ए का इन्वर्स है देन बोल देंगे कि ए भी क्या होगा, बी का इन्वर्स होगा। उल्टा यदि ए जो है बी जो है ए का इन्वर्स है तो क्या होगा, ए जो है वह भी बी का इन्वर्स होगा। और पहला जो पॉइंट था, दूसरा में बताए थे यदि जो क्या होगा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन है तो दोनों मैट्रिक्स ए बी क्या आपस में इन्वर्टिबल है, मतलब वही चीज़ बोले ए जो है बी का इन्वर्स, बी जो है ए का इन्वर्स। और तीसरा जो पॉइंट था कि इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह मैट्रिक्स क्या होगा स्क्वायर होगा, यदि वह मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यदि होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। मतलब इन्वर्सिबल होने के लिए उस मैट्रिक्स को सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे कि हम लोग कैसे दिया गया जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड के द्वारा। यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, देखिए हम लोग जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हाउ टू फाइंड ए इन्वर्स, दिया गया मैट्रिक्स है उसका हम लोग उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको इन्वर्स निकालने के लिए ये जो है तरीका है उसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है। लेट ए बी एन इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, मान लिए ए जो मैट्रिक्स हो क्या इन्वर्सिबल है, इसका मतलब उसका इन्वर्स निकलेगा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, क्या है उसका ऑर्डर एन है। उस तरह से कि दिया गया मैट्रिक्स को क्या लिखना है, ए इज इक्वल टू आई एन इज आई एन ए इज इक्वल टू आई ए, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो चाहे वह 2x2 हो या तो 3x3 ऑर्डर का हो। मान लेते हैं यदि कोई मैट्रिक्स ए है 1, 2, 4, 5 जो भी दिया गया है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इस तरह से कि ए इज इक्वल टू आई एन ए, मतलब ए इज इक्वल टू आई ए या तो फिर ए आई लिखें। तो जो है यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़, 1, 2, 4, 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 0, 0, 1 ए, ये ना होगा आइडेंटिटी। यदि ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का होगा, यदि ये 3x3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स ए तो ये भी 3x3 ऑर्डर का है। कहते हैं नाउ वी अप्लाइंग एलिमेंट्री रो या तो कॉलम ऑपरेशन, क्या बोले हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, या तो आप रो ऑपरेशन लगाइए या तो कॉलम ऑपरेशन, ऐसा नहीं दोनों लगाना है। ध्यान से सुनिएगा जब क्वेश्चन बनाइएगा, तो जब भी लगाने जब यदि हमको इसको इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग ऑपरेशन यदि सेलेक्ट कर लिए रो ऑपरेशन, तो जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा इस क्वेश्चन तक कहीं भी फिर हमको रो लगाए हैं तो कॉलम उसमें यूज नहीं करना। ऐसा नहीं रो और कॉलम दोनों घुसड़ दिए, वैसा नहीं, रो ऑपरेशन लगा दिए हैं तो हमको रो से ही काम करना है, यदि कॉलम ऑपरेशन लगा दिए तो कॉलम ऑपरेशन ही लगा करके उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो वही लिखे हैं या तो रो ऑपरेशन या तो कॉलम, दोनों में ऐसा नहीं दोनों नहीं लगाना है, दोनों में से कोई एक ऑपरेशन और मैट्रिक्स इक्वेशन ए आई इज इक्वल टू आई ए, इस जो मैट्रिक्स इक्वेशन ए इज इक्वल टू आई ए है जो अभी लगाए हैं तो उसमें क्या करना है, या तो आप रो ऑपरेशन लगाए या तो कॉलम ऑपरेशन में जो ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेट होगा वही ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है। तो उसको जो है जब तक इन्वर्स नहीं निकलता है, इन्वर्स कैसे निकलेगा, तो टिल एल एच एस बिकम आई, उस समय तक उसमें ऑपरेशन लगाना है, उस टाइम तक कि एल एच एस में ए जो दिया गया, ए जो मैट्रिक्स है जो दिया गया था वो इसको हमको क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है। उस ध्यान रखें क्या बोल रहे हैं, उस समय तक ऑपरेशन लगाना है। यदि आप रो ऑपरेशन लगा लिए या तो कॉलम, दोनों में से कोई जो सेलेक्ट करना आप कर सकते हैं, हमको उस समय तक ऑपरेशन जारी रखना है जब तक एल एच एस मेरा क्या ना बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। इधर जो ही मैट्रिक्स दिया है आइडेंटिटी माने थे, तो इधर जो जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वही ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे। तो हमको मेन काम है इस एल एच एस वाले जो मैट्रिक्स है उसको क्या बनाना,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना एंड देन द सेकेंड फैक्टर ऑफ आरएचएस दैट इज ए, जो सेकेंड फैक्टर जो आरएचएस में जो ए जो मैट्रिक्स है, ये ए जो है वो इसको रिमेन सेम, इसको चेंज भी नहीं करना है, इसको साफ साफ ढोते चलेंगे, सिर्फ जो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे ऑपरेशन इसमें लगाएंगे, लेकिन ए जो मैट्रिक्स ए होगा उसको साथ साथ सिर्फ लिखते चलेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे। और इसको हमको कोशिश क्या करना है, इसको आइडेंटिटी करना है, देन द दैट इज ए विल रिमेन सेम एंड फर्स्ट फैक्टर विल बी सम मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पे दो फैक्टर क्या है, एक मैट्रिक्स ए और ए मैट्रिक्स ए, तो इसको तो साथ साथ होना है। अब इसमें तो चेंजिंग होगा क्योंकि जो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे हम वही ऑपरेशन इसमें भी लगाएंगे, तो इसके अब इसको हमको करना है आइडेंटिटी, तो इस मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ तो चेंजिंग जरूर होगा। अब यदि सोचे ए यदि मैट्रिक्स जो है ऑपरेशन लगाने के बाद ए मेरा आइडेंटिटी बन गया, ये मेरा क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया, तो ए जो मैट्रिक्स में चेंजिंग है मान लेंगे वो मैट्रिक्स क्या है बी है, और ए तो इसको तो साथ साथ होते ही आना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसमें ऑपरेशन लगाए दोनों में, तो इसको क्या करना है आइडेंटिटी किए, इसमें जो भी आएगा मैट्रिक्स को मान लिए बी और ए तो साथ साथ लाए हैं, तो हम लोग को क्या बन गया आई इज इक्वल टू बी। और अभी जस्ट हम लोग इन्वर्सिबल मैट्रिक्स पर डेफिनेशन पढ़े थे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू, यदि आई हो जाए तब क्या होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, और क्या होता है एंड बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए, मतलब यदि ये रिलेशन होगा तो ए जो है ए का इन्वर्स बी होगा, बी का इन्वर्स ए होगा, मतलब यहाँ से हमको क्या निकालना है ए इन्वर्स, तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए इन्वर्स इस दिया गया मैट्रिक्स को ए माने थे, इसी का इन्वर्स निकालना है, तो हो जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, मतलब इसका इन्वर्स जो क्या होगा ए जो मैट्रिक्स जो यहाँ पे आएगा बी मैट्रिक्स में वही इस दिया गया मैट्रिक्स का क्या होगा इन्वर्स होगा। तो ये तरीका याद रखना है, क्या बोले कि मैट्रिक्स होगा उसको आप ए इज इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखिए, फिर यहाँ पे ऑपरेशन लगाइए, चाहे आप रो ऑपरेशन लगाए तो कॉलम जो भी लगाएंगे दोनों में से कोई एक ही लगाएंगे और पूरा अंत तक लगाइएगा। तो इस मैट्रिक्स को क्या करना है आइडेंटिटी करना है, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे जो मैट्रिक्स होगा जो ब्लास्ट में बचेगा उसको मान लेंगे बी, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू बी ए, तब हो जाएगा इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो ये मेरा हो गया कैसे इसको इनवर्स निकालेंगे दिए गए मैट्रिक्स को। अब इस चीज़ को समझने के लिए हालांकि बुक में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि सबसे पहले क्या करना है, तो उस चीज़ को समझने उतना जो बोलेंगे थ्योरेटिकल ज़्यादा समय में नहीं आएगा, तो क्या करते हैं उसका एक एग्जांपल लेके देखेंगे तो ज़्यादा समय आएगा कैसे हम लोग उसको जो है ऑपरेट करेंगे और कैसे उसको हम लोग इन्वर्स को फाइंड करेंगे। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक मैट्रिक्स है जिस जो ऑर्डर कितना ऑर्डर रखा है 2x2 ऑर्डर रखा है, इससे हमको क्या निकालना है फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। गिवन दैट ए इज इक्वल टू कितना है 2513 ए दिया गया है, तो इसमें फिर से बोले इसको आ तो इसमें आप रो ऑपरेशन लगाइए आ तो कॉलम ऑपरेशन लगाइए, वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन जो भी लगाइएगा एक ही लगाइएगा। चलिए लगाते हैं वी अप्लाई रो ऑपरेशंस 2 get a inverse। आ तो आप यहाँ चाहे तो कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिखिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस टू गेट ए इनवर्स। आप यदि चाहें तो कॉलम रो से भी बना सकते कॉलम से भी बना सकते हैं। अब क्या है वी फॉर दिस वी राइट, इसके लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अभी पढ़े थे क्या लिख सकते ए इज इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ए इज इक्वल टू आई ए, तो कितना हो जाएगा देखिए ए मेरा कितना है 2513 और आइडेंटिटी हो जाएगा 1001। आ इसको तो कुछ करना ही नहीं है, अब हमको क्या करना है जैसा कि अभी बोलो कैसे निकालेंगे इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे ऑपरेशन लगाना है, कैसे रो ऑपरेशन लिए हैं, तो रो ऑपरेशन को यूज करते हुए क्या करना है इसको आइडेंटिटी करना है, तो हमको कोशिश करना है आइडेंटिटी मतलब इसको जो है इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या कर सकते हैं इसको क्या किया जाए, तो देखिए इसको बनाने का जो तरीका है सबसे पहले क्या कीजिए ये जो 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है 1 पोजीशन पे एलिमेंट कितना होना चाहिए 1, तो इसको कोशिश कीजिए कि क्या किया जाए रो में ऑपरेशन लगा करके कि इस 1 पोजीशन वाले एलिमेंट को 1 किया जाए,
ये वन वन पोजिशन वाले एलिमेंट को वन किया जाए, तो वन देखिए कैसे हो सकता है, ये देखिए तो इसको कर सकते हैं रो वन में हम लोग क्या कर देते हैं, रो वन में रो टू को माइनस कर देते हैं, रो वन में इसको माइनस कर देंगे तो टू माइनस वन वन, आगे क्या होगा उससे मतलब नहीं है। मेन सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, कोशिश करना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स टू बाई टू ऑर्डर का है तो ए वन वन पोजिशन पर जो एलिमेंट है और ए टू टू पोजिशन पर एलिमेंट है उसको क्या करना, यूनिटी करना। यदि थ्री बाई थ्री ऑर्डर का है तो ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री पोजिशन पर एलिमेंट को क्या करना है, आइडेंटिटी करना है। यदि यहाँ हम लोग ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, रो ऑपरेशन, और इस वाले एलिमेंट को हम लोग यूनिटी कर लिए, ये वाले एलिमेंट को ए वन वन पोजिशन पर जो एलिमेंट है उसको क्या करते हैं हम लोग यूनिटी कर लिए, तो क्या करेंगे इसके बगल वाला जो एलिमेंट रो में होगा उसका जो एलिमेंट के फर्स्ट रो में उसको क्या करेंगे जीरो करेंगे, इसको यूनिटी करेंगे। सबसे पहला काम यूनिटी करना, यूनिटी हो जाएगा तो क्या करेंगे इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे। खैर पहले हम लोग इसको सोचते हैं, तो रो वन में रो टू को घटाएंगे तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, टू माइनस वन हो जाएगा फाइव माइनस थ्री हो जाएगा वन, रो टू में तो कोई चेंजिंग नहीं किए उसको एज इट इज उतार देंगे, रो टू में कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ हो जाएगा वन माइनस जीरो हो जाएगा जीरो माइनस वन ए, बार बार इतना लिखेंगे नहीं डायरेक्ट कर देंगे, तो टू माइनस वन वन टू वन थ्री इतना, तो हो जाएगा कितना वन माइनस वन जीरो वन ये हो जाएगा ए। अब देखिए अब क्या कीजिए कि ए जो है ए मेरा क्या हो गया यूनिटी बन गया, यहाँ पे ए वन वन पोजिशन का एलिमेंट क्या हो गया यूनिटी हो गया वन हो गया है, तो क्या करना है अब हमको यूनिटी बनना है, तो कोशिश कीजिए ए एलिमेंट को क्या कर दें जीरो कर दें, मतलब ऑपरेशन यदि हम लोग रो में लगाएंगे तो कोशिश फर्स्ट ए वन वन पोजिशन का एलिमेंट को यूनिटी किए तो उसके और जो बचे हुए जो एलिमेंट है उसको जीरो करना है उस कॉलम के लो, क्या बोल रहे हैं ऑपरेशन यदि हम लोग रो में लगाएं तो ये वन वन पोजिशन पे जो एलिमेंट होगा इसको यूनिटी किए तो उसके जो फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट होगा एक्सेप्ट ए वन वन, ए वन वन को यूनिटी रहना है और बाकी को क्या करना है जीरो करना है, तभी तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो क्या कीजिए इसको हमको जीरो करना है, इसको क्या किया जाए जीरो हो जाएगा, तो देखिए फिर से हम लोग रो टू में इसमें हम लोग इसको माइनस कर दें तो क्या होगा जीरो हो जाएगा, तो क्या करते हैं रो टू में चेंजिंग कर रहे हैं तो किस तरह से रो टू माइनस रो वन, तो जो है रो वन में तो कोई चेंजिंग नहीं तो रो वन में एज इट उतार देंगे, इसको यहाँ माइनस करेंगे वन माइनस वन तो हो गया जीरो, अब इसको यहाँ माइनस करेंगे तो थ्री माइनस टू तो हो जाएगा वन इज इक्वल टू, और सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे, मतलब फर्स्ट वाले रो में कोई चेंजिंग नहीं इसको एज इट उतार देना है, इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो जीरो माइनस वन तो हो जाएगा माइनस वन, इसको यहाँ माइनस करेंगे तो वन माइनस माइनस प्लस वन तो कितना हो जाएगा टू, अरे हो जाएगा आइडेंटिटी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये वन वन पोजिशन का एलिमेंट मेरा यूनिटी हो गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जस्ट उसका फर्स्ट कॉलम का जो जितने सारे एलिमेंट है वो मेरा जीरो हो गया है, तब इसका काम खत्म। अब कोशिश करेंगे कि ये टू टू पोजिशन पर जो एलिमेंट है उसको यूनिटी करें, तो देखिए ये टू टू पोजिशन पर जो एलिमेंट है ऑलरेडी वह क्या है तो यूनिटी है, ये यूनिटी है तो क्या करना है इस एलिमेंट को जीरो करना है, तो इसमें हम क्या किया जाए इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन तो लगाना है रो में लगाना है, तो उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ऐड करें कि ये मेरा क्या हो जीरो हो जाए, तो देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं चेंजिंग किस में करना है रो वन में, तो इसको लिख सकते हैं रो वन में हम लोग माइनस कर देते हैं किससे तो टू से मल्टीप्लाई करके रो टू को, सेकेंड रो को टू से मल्टीप्लाई करके हम लोग रो वन में माइनस करेंगे तब देखिए मेरा क्या हो जाएगा, रो टू में तो कोई चेंजिंग नहीं एज टू उतार देंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस जीरो इंटू टू तो वन माइनस जीरो तो हो जाएगा वन, इसको जो है यहाँ पे कितना है टू है इसको टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो वन माइनस टू तो हो जाएगा टू माइनस टू ये मेरा क्या हो जाएगा जीरो इजिकल टू, सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है तो रो टू में कोई चेंजिंग नहीं, चेंजिंग में हम कितने कर रहे हैं रो वन में चेंज कर रहे हैं तो रूट सेकेंड वाले रो के जो इतने सारे एलिमेंट हैं एज इट इज उतार देंगे, तो क्या करना है देखिए तो फर्स्ट वाले रो में इसको टू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस करना है तो वन, अब क्या हो जाएगा माइनस टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो हो जाएगा माइनस टू तो वन माइनस वन प्लस टू तो कितना हो जाएगा थ्री, इसको यहाँ से माइनस है इसको टू से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कीजिए तो हो जाएगा टू टू जा फोर तो माइनस फोर ये कितना हो जाएगा माइनस फाइव ए। अब बताइए हमको मेन काम क्या था LHS वाले जो मैट्रिक्स है उसको क्या करना आइडेंटिटी करना, तो आप देख सकते हैं ये मेरा क्या हो गया है आइडेंटिटी हम लोग का आ गया है, तो ये मेरा क्या है आई
इसको मान लेते हैं बी ए, वेयर बी किसको माने हैं, तो 3 - 5 - 1 - 2, देन बाय डेफिनेशन याद कीजिए जब बी इज इक्वल टू आई था तो क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो देयर फोर हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 - 5 - 1 - 2, ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस दिया गया मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्या एलिमेंट्री कौन सा प्राइम, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा हम इसको निकालिए। यदि इसको चाहे तो आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के द्वारा भी निकाल सकते हैं, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आंसर चलिए सर हम लिख के रखते हैं, आंसर हम लोग का कितना आया है, आया है हम लोग का 3 - 5 - 1 - 2। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा करके बनाते हैं। अब देखिए उसमें भी आंसर में क्या कोई चेंजिंग आता है, आंसर में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इधर जैसे अभी हम लोग रो में ऑपरेशन लगाएं, जब तक LHS वाले आइडेंटिटी नहीं हो गया तब तक उसको हम रो ऑपरेशन ही लगाएं, अगर क्या सोच रहे हैं कि कॉलम लगा के बनाए, क्या कॉलम से बनता है नहीं बनता है, कॉलम ऑपरेशन टू गेट ए इनवर्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - 5 - 1 - 3 हो जाएगा 1 - 0 - 0 - 1, ये हो जाएगा मेरा ए। तो हमको क्या लगाना है, कॉलम का ऑपरेशन लगाना है। तो सोचिए इसको क्या किया जाए, आखिर इसमें कुछ हम क्या चेंजिंग करें कि मेरा क्या हो जाए, तो यूनिटी हो जाए। तो देखिए कॉलम में हम क्या बोल रहे हैं, कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं, किसमें, कॉलम में। तो कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या, इस एलिमेंट को यूनिटी करना, 1-1 पोजिशन पे जो एलिमेंट है उसको यूनिटी करना। तो कॉलम में क्या किया जाए, सोचिए आखिर दिमाग लगाए इसको क्या किया जाए कि ए 1 हो जाए, इधर हमको बाकी दुनिया देश दुनिया से मतलब नहीं है, इसको क्या करें 1 हो जाए। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कॉलम 1 को क्या करते हैं, कॉलम 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 1, यहाँ पे डिवाइड किए 2 से तो 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा 2 से तो 1/2, और सेकेंड वाले कॉलम में तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ है, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 1/2 - 0 - 0 - 1 ए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सोचिए अब क्या किया जाए, ए एलिमेंट तो 0 हो गया है, ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं, कॉलम में लगा रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं किस में, कॉलम में। तो कोशिश करना है कि ए एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, कॉलम में जो ऑपरेशन लगाएं तो ए जब 1-1 पोजीशन का एलिमेंट यूनिटी हुआ तो उसके सामने जस्ट रो के जितने एलिमेंट हैं, ऑपरेशन कॉलम में लगाएं तो रो के एलिमेंट को 0 करना है, 1-1 पोजीशन के एलिमेंट को छोड़ करके। तो क्या इसको 0 करना है, इसको क्या किया जाए कि 0 कर दें, मतलब जो भी लगाएंगे कॉलम में, तो इसको हम क्या किया जाए कॉलम में 0 हो जाए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं कॉलम 2 में चेंजिंग करते हैं, कॉलम 2 में माइनस कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके C1 को, यदि C1 में इसको हम 5 से गुना करके यहाँ माइनस करें, 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, क्या ये 0 होगा, तो 0 हो जाएगा, बस 0 हो जाएगा तो हम लोग को तो वही तो करना है, और आगे जो एलिमेंट होगा देखा जाएगा, उससे मतलब नहीं, आगे सोचेंगे फिर। तो हो जाएगा 1, अब पहला कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं, इसको एज इट उतार देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1 - 5 - 5 तो हो जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा 5 - 1 - 5 तो 1 - 5 - 5 - 0, ये एलिमेंट कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना है 3 माइनस, इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 - 5 3 - 5/2 तो 3 - 5/2, तो ये कितना होगा वो देखिए 3 - 6 - 5/2 मतलब हो जाएगा 1/2, तो ए मेरा कितना हो गया 1/2, यहाँ तो समझ आना चाहिए। इसको क्या किए 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो इसको 3 है यहाँ पे, 5 से मल्टीप्लाई किए 5/2 तो होगा 3 - 6 - 5 - 2 तो हो जाएगा 5 - 6 - 5/2 मतलब 1/2। अब सेम काम इधर भी करना है LHS में, इसको क्या करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस करना है, तो यह 1/2 - 5 और 0 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -5/2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले कॉलम में तो कोई चेंजिंग नहीं, फर्स्ट वाले कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं, हो जाएगा 1/2 - 0 तो इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -5/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे 0 - 5
तो हो जाएगा जीरो और वन माइनस जीरो हो जाता है वन। ये हो गया मेरा आइडेंटिटी। अब बताइए अब इसमें हम लोग क्या फेरबदल करें। अब तो इसका वन वन हो गया है, अब हमको कोशिश करना है ये टू टू पोजिशन पे जो एलिमेंट है वो क्या हो जाए वन हो जाए। तो इसको हमको वन वन बाय टू है और इसको हमको क्या करना है आंसर वन लाना है। तो क्या करना पड़ेगा टू से मल्टीप्लाई, तो टू से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा वन आ जाएगा। तो टू से मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं कौन से कॉलम में देखिए, तो इसको हमको वन करना तो सेकेंड कॉलम में टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जगह कॉलम टू में क्या किए तो टू से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो फर्स्ट वाले कॉलम में तो कोई चेंजिंग नहीं, इसको हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फर्स्ट वाले कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा माइनस पाँच और इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा टू, क्योंकि मल्टीप्लीकाई किस में करना सेकेंड कॉलम में करना है। इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे दो कट के माइनस पाँच, इसको दो से करेंगे तो हो जाएगा एक दूना दो दो। अब देखिए ये आइडेंटिटी होगा एट ए, अब इसको जीरो करना है। तो अब देखिए इसको क्या किया जाए जीरो हो जाए, क्या इस सेकेंड वाले कॉलम में हम लोग वन बाय टू से मल्टीप्लाई करके सेकेंड वाले कॉलम में वन बाय टू से मल्टीप्लाई करके यदि फर्स्ट कॉलम में माइनस कर दें सबट्रैक्ट कर दें तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें जीरो होगा, वन में जीरो करेंगे जीरो होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आइडेंटिटी मेरा आसानी से आ जाएगा। तो क्या करते हैं कॉलम वन में चेंजिंग करते हैं, कॉलम वन में क्या करते हैं तो वन बाय टू इंटू कॉलम टू, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू जगह वन सेकेंड वाले कॉलम को रहने देते हैं, इसको पाँच कितना है वन बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो इंटू वन बाय टू जीरो और वन माइनस जीरो जीरो, इसको वन बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाय टू और वन बाय टू माइनस वन बाय टू हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू। अब क्या करना है सेकेंड वाले कॉलम जो है इसको जो है सेकेंड वाले कॉलम में क्या करेंगे तो वन बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे और तो यार फर्स्ट वाले कॉलम माइनस करेंगे तो फर्स्ट वाला कॉलम में वन बाय टू है माइनस और इसको वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए पाँच गुना एक बटे दो, तो हो जाएगा मेरा कितना एक बटे दो माइनस माइनस प्लस पाँच बटा दो, तो हो जाएगा पाँच एक जोड़ पाँच बटा दो छः बटे दो बराबर तीन, तो यहाँ पे कितना हो गया तीन। और सेकेंड वाले कॉलम में तो कोई चेंजिंग ही नहीं करना है, अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है फिर से देखिए यहाँ पे जीरो है माइनस, अब क्या करेंगे इसको हम लोग दो से वन बाय टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा टू इंटू वन बाय टू, टू टू विल कैंसल तो कितना होगा माइनस वन, तो ये मेरा क्या हो गया माइनस वन हो जाएगा ए। हम लोग को मेन काम था इधर वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी करना, देखिए मेरा आइडेंटिटी हो चुका है मत हो गया आई इज इक्वल टू बी ए, आई इज इक्वल टू बी ए वेयर बी हम लोगों ने किसको माना है तीन माइनस पाँच माइनस एक दो, ये हो गया है बी। अब जो है हेंस बाय डिफिनेशन डिफरेंस जानते हैं क्या होता है ए इनवर्स इजिकल टू जब बी एजिकल टू आई तो ए इनवर्स इजिकल टू क्या होता है बी, तो हो जाएगा तीन माइनस पाँच माइनस एक दो। अब देखिए ये हम लोग आया किसे कॉलम ऑपरेशन के द्वारा रो ऑपरेशन के द्वारा निकाल के रखे थे तीन माइनस पाँच माइनस एक दो, मतलब कोई दिया गया जो मैट्रिक्स है उसका हमको इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, तो आप इंडिपेंडेंट है कि आप रो ऑपरेशन लगाइए आ तो कॉलम ऑपरेशन लगाइए आंसर में किसी तरह का कोई फेरबदल आ तो चेंजिंग नहीं होगा, जैसा कि हम लोग एक एग्जांपल ले देखें उसको दोनों तरीके से बना देखें। तो जो क्वेश्चन जो दिए रहेंगे हम लोग अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम लोग दोनों मेथड से नहीं बनाएंगे कोई एक जो है ऑपरेशन लगाएंगे कोई एक आपकी मर्जी, आपको यदि सुविधा लगता है रो में तो रो ऑपरेशन लगाइए, यदि आपको सुविधा लगता है कॉलम में तो कॉलम ऑपरेशन लगाइए, आप इंडिपेंडेंट। चलिए उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया वो समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक्सरसाइज है 5.4 वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।